दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी ही एक्साइटिंग ऑयल फ्री वेज पुलाव फॉर वेट लॉस की रेसिपी। और ये जो रेसिपी है ये बड़ी ही मज़ेदार है क्योंकि है कम्प्लीटली ऑयल फ्री। क्या आप मान सकते हैं ये पूरी की पूरी सर्विंग जो आप देख रहे हैं प्लेट भर के सिर्फ 109 कैलोरीज है। इस वेट लॉस डाइट रेसिपी को आप आसानी से लंच में खा सकते हैं और PCOS, थायराइड, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, BP के पेशेंट्स भी आराम से इसको ले सकते हैं। और तो और ये हाई फाइबर और ग्लूटेन फ्री इंडियन मील ऑप्शन है जो कि है कम्प्लीटली ऑयल फ्री और कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। वेलकम टू माय किचन डाइट रेसिपीज बाय नताशा मोहन। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सॉस पैन यानी कि चाय का बर्तन और उसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ अनियन। अब प्याज की खास बात है कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को आप कैसे भी काट के डाल सकते हैं और इसके अंदर एक बड़ा ही मैजिकल कंपाउंड होता है लाइकोपीन नाम का, जो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ और इम्यूनिटी और विजन को भी बहुत बढ़ाता है। तो बस इन दोनों चीज़ों को डालते ही हम अच्छे से स्टर कर देंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। जीरा एक बड़े ही मैजिक इंग्रेडिएंट का काम करता है उन लोगों के लिए जिनको पेट की समस्या अक्सर रहती है, जैसे कि गैस, ब्लोटिंग, ऐसी चीजें। तो बस अब हमने फ्लेम को सिम पे करते हुए इसके अंदर डाल देनी है फूल गोभी। ये मैं ले रही हूँ 30 ग्राम यानी कि 3 बड़े चम्मच। और जिन लोगों को थायराइड है वो इस पुलाव को हफ्ते में 1 या 2 बार आसानी से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 3 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई ग्रीन बीन्स। और इनकी खास बात है ये फाइबर से लोडेड होती है और खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये बढ़ावा देगी आपकी इम्यूनिटी को। और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटी हुई गाजर, वो भी 3 बड़े चम्मच। ये ना ही सिर्फ आपके विजन के लिए अच्छी है बट आपकी ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। और ये लोडेड है बहुत सारी विटामिंस और मिनरल्स से जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ का भी ध्यान रखती हैं। तो बस अब हम इस पुलाव को सिम पर ही अच्छे से चला लेंगे और जिन लोगों को अनीमिया की प्रॉब्लम है यानी कि आयरन डेफिशिएंसी, उन लोगों के लिए भी ये पुलाव बहुत अच्छा है। बस अब इसमें 1/2 कटोरी हम डाल देंगे पानी और उतना ही डाल के हम इस पुलाव को अच्छे से पकने देंगे कम से कम 2 मिनट के लिए। जब तक हमारे पुलाव की सब्जियां पक रही हैं हम तैयार कर लेते हैं चावल। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 टेबलस्पून राइस, आप चाहें तो कोई भी चावल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे व्हाइट राइस ले रही हूँ, आप चाहें तो ब्राउन राइस से भी बना सकते हैं, बस उसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो बस मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी और जितना भी इसका क्लाउडी वाटर यानी कि जो गंदा पानी है उसको फेंक के और चावलों को रख दूँगी साइड पे। अब चेक करते हैं जो हमारी सब्जी है कितनी गली है। मेरे को लगता है इसमें अभी 1 मिनट और चाहिए, तो तब तक मैंने अपने चावल रेडी रखे हुए हैं। इसको फिर से ढक्कन लगा के हम पका लेंगे 1 और मिनट के लिए। तो दोस्तों आपने जो सब्जी है उसको कम से कम 70-80% तक पकाना है, उसके बाद हम चावल डाल के फिर से इसको पकाएंगे। अब समय आ गया है अपने पुलाव के अंदर मेन इंग्रेडिएंट डालने का जो कि है चावल। आप देखिए दोस्तों मैंने इसको सोक बिल्कुल नहीं किया है, ये सिर्फ वॉश चावल हैं और वो भी मैंने एक ही बार पानी डाल के अच्छे से धो के उसको रख दिया था। जितना ज़्यादा धोएंगे उतने इस चावल का पोषण कम हो जाएगा। तो बस अब हम इसको डाल देंगे पैन के अंदर और साथ ही साथ थोड़े से मसाले जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है इंडियन कुकिंग में, और मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर, आप चाहें तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और हम डाल देंगे सॉल्ट टू टेस्ट। तो बस अब हमने इसके अंदर पानी डालना है नाप के। पानी का नाप है 1:2.5 की रेशो। मैंने लिए हैं 30 ग्राम चावल तो मैं इसके अंदर डालूंगी 75 ग्राम पानी यानी कि 2.5 कप। और कप की मेजरमेंट भी वही रहेगी जो हमारे चावलों की थी।
इसको अच्छे से स्टर कर देंगे कि हमारी चावल और सब्जी एक बराबर मिल जाए। और फिर एक और स्पेशल इंग्रेडिएंट बचा हुआ है दोस्तों, क्या आप गेस कर सकते हो क्या है? जी हाँ, वो है उबले हुए मटर। दो बड़े चम्मच मैं ले रही हूँ और कोई भी पुलाव मटर के बिना कहाँ से पूरा होता है। तो बस अब हम इसको ढक्कन लगा के 10 से 12 मिनट लो से मीडियम फ्लेम तक पकाएंगे और बस आपका शानदार मजेदार चटपटा वेजिटेबल वेट लॉस पुलाव बनके है तैयार। लेकिन इसको सर्व कैसे करें? मैं बताती हूँ, इसको सर्व आप पूरा का पूरा एक पोर्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी सर्विंग है सिर्फ 109 कैलोरीज। और साथ में क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अभी कम है, आप ले सकते हैं या तो एक कटोरी भर के दही या फिर एक कटोरी भर के कोई भी दाल। और हम इस पे अभी गार्निश भी करेंगे, वो है मेरा फेवरेट कॉटेज चीज यानी कि पनीर। यहाँ पे मैंने 20 ग्राम पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था और उनको ड्राई रोस्ट करा है बिना किसी ऑयल के। तो दोस्तों ये है आपका शानदार वेज मील ऑप्शन फॉर वेट लॉस बनके तैयार। बस थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डाल दीजिए, खुद भी खाइए और घर वालों को भी खिलाइए। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और कोई भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में।